चलिए, मैं ये सी की अगली क्लास आपको पढ़ाने जा रहा हूं। मुझे अच्छे से ध्यान है, मैंने लास्ट सेशन में आपको इस जगह पर छोड़ा था। ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम टू एक्सेप्ट द फोर डिजिट नंबर। कितने डिजिट का नंबर लेना है? 4 डिजिट का नंबर। एंड प्रिंट द एडिशन एंड आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही होगी शायद। इंपॉर्टेंट क्या था इसमें बताया, हेडर फाइल मेन, ये सारा कुछ आपको आता होगा। प्लीज एंटर अ नंबर ऑफ 4 डिजिट। हमें 4 डिजिट का नंबर एक लेना है, राइट? आपको बस इतना बता दूं, अगर फर्स्ट डिजिट चाहिए तो आपको उसको 1000 से, अरे जैसे एक डिजिट की बात करें तो 10 होता है, 2 की बात करें तो 100 होता है, 3 की बात करें तो फिर 1000 होता है। यानी कि आपको यहां पर बस इंपॉर्टेंटली मेरी समझ में जो समझना था वो ये समझना है कि यहां पर पहला डिजिट निकालने के लिए, जैसे आपने यहां पर लिख दिया मान के चलो 4352, और हमें अगर पहला डिजिट अगर निकालना है तो आप डिवाइड बाई इसे 1000 कर लीजिए आप, तो ये पहला डिजिट यहां पर निकल कर आ जाएगा। और अगर मैं आपसे मॉड्यूलस बाई 10 की अगर बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट दी मॉड्यूलस बाई 10, हमेशा ध्यान रखना भैया, मॉड्यूलस बाई 10 जो होगा वह हमेशा लास्ट डिजिट निकाल कर देता है। क्या निकाल कर देगा बेटा? लास्ट डिजिट निकाल कर देगा। अगर फर्स्ट और लास्ट को यहां पे जोड़ दिया तो मेरी समझ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात थी वो ये थी कि हाउ वी रिट्रीव द फर्स्ट डिजिट, हम पहला डिजिट कैसे प्राप्त करते हैं और हम लास्ट का डिजिट कैसे प्राप्त करते हैं। दोनों को यहां पर एड अप करा दिया और उस एडिशन को हमने यहां पर क्या करा, प्रिंट करा। मैं एक बार इसे चला के दिखाना चाहता हूं आपको, राइट? हाउ वी डू इट, कैसे इसको करेंगे। बट यहां पे कंस्ट्रेंट ध्यान रखना, फर्स्ट एंड लास्ट। सो मैंने यहां पर कोड ब्लॉक स्टार्ट किया, आई हैव स्टार्टेड कोड ब्लॉक, टेक सम टाइम। मैं फाइल में गया, न्यू पर क्लिक किया और एम्प्टी फाइल, कंट्रोल एस, यहां पर आके इसे मैंने सेव करा दिया। इतना कुछ करने के बाद यहां पर क्या लिखा मैंने, हैश इंक्लूड stdio.h void main, और आप हूपहू इसे उतार दीजिए, राइट? एंड प्लीज एंटर अ नंबर ऑफ 4 डिजिट। बट उससे पहले कुछ वेरिएबल भी बनाने हैं आपको, इंट नम कॉमा फर्स्ट कॉमा लास्ट। इसको क्या कहते हैं बेटा? वेरिएबल डिक्लेरेशन। और यहां पर एक मैसेज प्रिंट करा दिया, प्लीज एंटर 4 डिजिट नंबर। कोई भी नंबर ले लिया आपने, स्कैनएफ से आप उस नंबर को ले सकते हैं, %d कॉमा, और यहां पर आके हमने इस नंबर को ले लिया, %num। अब क्या करना है, पहले फर्स्ट डिजिट निकाल लीजिए, जो भी नम, डिवाइड बाई 1000, और लास्ट वाला अगर निकालना है, मॉड्यूलस ऑपरेटर तो रिमाइंडर ही तो निकालता है भैया, मॉड्यूलस बाई 10। यहां पर आके आप जोड़ लीजिए, जैसे यहां पर हमने सम नाम का वेरिएबल वहीं की वहीं बनाया, चाहते तो हम ऊपर भी बना सकते थे, फर्स्ट प्लस लास्ट दोनों को जोड़ दिया, प्रिंट एफ, यहां पे आए द सम इज %d कॉमा
और यहां पर आके इस सम को हमने क्या करा दिया बेटा, प्रिंट करा दिया, इसे रन कराया। सी मैंने लिखा 5439, एंटर प्रेस किया, क्या आंसर आ रहा है, द सम इज व्हाट, द सम इज 14। वैसे मैं, लेट मी चेक, मुझे यहां से 10 का भाग देने दो इसमें, व्हाट वाज द नंबर 5439। देखो इससे सही नहीं निकलता है क्योंकि इससे तो वो लास्ट के डिजिट को ही तो ओवरलैप कर पा रहा होगा। तो तुम तो एक बात समझो भाई, जितने डिजिट का आपने नंबर लिया है उतने ही डिजिट यहां पर होने चाहिए, उतने ही डिजिट यहां पर होने चाहिए। जैसे 3 डिजिट का होता तो यहां पर 100 लिख देते, 2 होता तो 10 लिख देते, और लास्ट का डिजिट निकालने के लिए यही फंडा है, मॉडुलस बाइट है। तो इसमें इंपॉर्टेंटली बात ये थी कि जब हमने अगर 4 डिजिट का नंबर लिया है तो फर्स्ट डिजिट को निकालने के लिए हमने डिवाइड बाई 1000 किया है, डिवाइड बाई क्या किया है बेटा, 1000। ऐसे ही यहां पर मॉड्यूलस बाई 10 से हमेशा लास्ट डिजिट निकल कर आता है, मॉड्यूलस बाई 10 से हमेशा कौन सा डिजिट निकल कर आता है, लास्ट। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, इसका सी से कोई लेना देना नहीं है भाई, ये प्रोग्राम तो आप कहीं भी बनाते वहां पर आपको मेरी समझ में इसकी जरूरत पड़ती, राइट। थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसे मैं थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, राइट अ प्रोग्राम टू इंटरचेंज, इंटरचेंज की जो दूसरा मीनिंग होता है स्वैप, बदल देना, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यूज, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल, राइट अ प्रोग्राम टू स्वैप द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यहां पर मैंने क्या लिखा, हैश इंक्लूड stdio.h, दो वेरिएबल बने, एंटर टू नंबर, दो वैल्यू हमने ले ली, बिफोर स्वैपिंग द वैल्यूज ऑफ x एंड y इज। और यहां पर बिना स्वैप किए उन वैल्यूज को प्रिंट करा। अब ये एक लॉजिक है कोई, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, ये मैं आपको एडिशनली अभी पढ़ा देता हूं, बट अभी आप इस लायक नहीं हुए हैं कि आप ये वैल्यू इंटरचेंज करना सीखें। बट आपको इस प्रोग्राम में क्या सिखाने की कोशिश की जा रही है बताएं, कि जैसे मान के चलो शुरुआत में x की वैल्यू 10 है और y की वैल्यू अगर 20 है, तो जब एग्जीक्यूशन करें तो x की वैल्यू 20 हो जाए और y की वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, 10 हो जानी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है, यहां पर x की वैल्यू कितनी है 10 और यहां पर x की वैल्यू कितनी होगी भैया, 20 हो गई है। तो इसमें किया क्या जा रहा है, जैसे मैंने कहा एंटर टू नंबर्स, दो नंबर ले लिए भाई साहब, x में आपने 10 रख लिया और y में आपने 20 रख लिया, बिफोर स्वैपिंग इन वैल्यूज को प्रिंट कराएंगे 10 और 20 प्रिंट हो जाएगा। अब यहां पर ये लॉजिक है, x इज इक्वल टू x प्लस y, यानी कि 10 प्लस 20 को जोड़ा और x की वैल्यू अब क्या हो चुकी है, 30। अब मैंने बोला y इज इक्वल टू x माइनस y, तो 30 में से 20 गया तो यहां पर वैल्यू कितनी हो गई होगी, अब 10। अरे भाई खुद x की वैल्यू 30 हो गई ना, अब यहां पर आई, अब x इज इक्वल टू x माइनस y, x की वैल्यू अगेन कितनी है, 30, और इसमें से y को हमने घटा दिया, y की वैल्यू अब कितनी हो चुकी है, 10। तो 30 में से 10 गए तो अब यहां पर कितना रह गया, 20 रह गया। वही तो मैं बता रहा हूं कि x की वैल्यू 20 है और y की वैल्यू कितनी है, 10 है। तो ये लॉजिक एक बता रखा है कि जब भी कभी दो वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना हो, व्हेनेवर यू वांट टू स्वैप, इंटरचेंज करना चाहते हैं दो वेरिएबल की वैल्यू को, तो ये आपको 3 लाइन सीखनी पड़े, x इज इक्वल टू x प्लस वाई, वाई इज इक्वल टू x माइनस वाई, और x इज इक्वल टू x माइनस y। तो आपको देखना होगा कि यहां पर दो बार तो x माइनस y किया और यहां पर हमने x प्लस y किया है, इस जगह पर हमने क्या किया है, x प्लस
buy किया हुआ, I'm talking about this. तो these are some like basic program. मैं चाहूंगा इन्हें आप एक बार घर पे और पढ़ें. चलिए बिल्कुल, अभी ये तो कल का पेंडिंग मैंने अभी कंप्लीट किया है. अब मैं यहां से आगे की जो बातें आपको बताऊंगा, यहां से आगे की जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो बिल्कुल एक नया टॉपिक है, रिलेशनल ऑपरेटर. इसे हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी कहते हैं. व्हाट वी से, इसे बेसिकली हम लोग कौन सा ऑपरेटर कहते हैं बेटा, कंपैरिजन ऑपरेटर, जो कि कंपेयर करता है चीजों को, कौन सी चीज छोटी है, कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी चीजें बराबर की हैं. और हमेशा इसमें आंसर जो आएगा वो जीरो और वन में आता है. मैं आपको बता दूं, जीरो का मतलब फॉल्स होता है और वन का मतलब ट्रू होता है. हालांकि वन की जगह नॉन जीरो बोलना ज्यादा बेहतर रहेगा. सी में मैं आपको ये बताना चाहूंगा, ट्रू और फॉल्स नाम की कोई चीज नहीं होती है. सी में ट्रू और फॉल्स नाम की कोई चीज नहीं होती. तो रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर ऑलवेज रिटर्न ईदर जीरो और वन. एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू, एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज ट्रू एंड जीरो इज व्हाट, फॉल्स. एवरी नॉन जीरो वैल्यू इज व्हाट, ट्रू. एंड जीरो इज व्हाट, फॉल्स. ट्रू इज वन एंड फॉल्स इज व्हाट, जीरो. ट्रू इज वन एंड फॉल्स इज व्हाट, जीरो. ये कुछ कहानी मैंने आपको इसमें बताई, बट आपको समझना पड़ेगा इनकी प्राथमिकता ज्यादा होती है लेस देन और नॉट इक्वल टू, और इक्वलिटी की प्रायोरिटी दूसरे नंबर पर आती है. नॉट इक्वल और इक्वल की जो प्रायोरिटी होती है वो दूसरे नंबर पर आती है. क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? अब मैं थोड़ा सा आगे चलना चाहता हूं, थोड़ा सा आगे चलना चाहता हूं. जैसे मैंने लिखा इंटेक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये इंटेक्स है. अब मैं लिखा यहां पे x इज इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन 4, ये इंटेक्स हो गया. x इज इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन 4, तो क्या 5 बड़ा होता है 4 से? हाँ बड़ा होता है. तो x की वैल्यू यहां पर क्या होगी भाई साहब, 1 होगी. x की वैल्यू इस जगह पर क्या होगी बेटा, 1. अब यहां बताना, अब यहां गड़बड़ हो जाती है बच्चे से. बच्चा इसका आंसर क्या समझता होगा बताए तुम्हें, इसका आंसर समझता होगा 1, कि भाई 5 बड़ा होता है 4 से, 4 बड़ा होता है 3 से. बढ़िया, आंसर बिल्कुल गलत है. इसका आंसर क्या होगा बताए तुम्हें, 0. क्यों होगा भाई, 5 बड़ा होता है 4 से. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, इसे समझना पड़ेगा. 5 बड़ा होता है 4 से, तो यहां पे क्या जनरेट हो गया होगा, 0. तो क्या 0 बड़ा होता है 3 से? नहीं होता. तो इस केस में जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी बेटा, 0. क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूं, एसोसिएटिविटी ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर इज, एसोसिएटिविटी ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज व्हाट, लेफ्ट टू राइट. जो एसोसिएटिविटी होती है, एसोसिएटिविटी ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर इज लेफ्ट टू राइट. जो एसोसिएटिविटी है रिलेशनल ऑपरेटर की वह लेफ्ट टू राइट है भाई. वह कैसी है, वह लेफ्ट टू राइट है. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, एसोसिएटिविटी ऑफ द रिलेशनल ऑपरेटर, यानी कि लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहा है ना. पहले 5 बड़ा होता है 4 से, उसका 0 जनरेट हुआ, तो क्या 0 बड़ा होता है 3 से? नहीं होता. तो यहां पर आंसर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है ना. इसे आप करके देखना, ज्यादातर बच्चे इसका आंसर गलत बताते हैं. सॉरी, हाँ ये प्रीति यू आर करेक्ट, 5 बड़ा होता है 4 से, इसका आंसर आएगा 1. क्यों, 5 बड़ा होता है तो, बट 1 क्या, 1 बड़ा होता है 3 से? नहीं होता ना. तो अगेन आंसर इज व्हाट, 0. इट वाज लाइक स्लिप ऑफ टंग. क्या 5 बड़ा होता है 4 से? यस बड़ा होता है, तो क्या आया होगा 1. तो क्या 1 बड़ा होता है 3 से? नहीं होता ना. दैट इज व्हाई आंसर इज व्हाट, 0. आप चाहो तो इसे भले ही चला के देख सकते हैं आप, इसे आप चाहो तो इसे चला के देख लीजिए. जैसे एक बार कोड ब्लॉक में आए आप
और यहाँ पे लिख दें आप int x इज इक्वल टू 5 इज ग्रेटर देन 4 इज ग्रेटर देन 3, और यहां पर आके परसेंट डी कॉमा, और यहां पर आके x को प्रिंट करा दिया। सी व्हाट इज द आंसर? 0। माय आंसर वाज करेक्ट, बट यहां पे मैंने थोड़ा गलत बोला कि क्या 5 बड़ा होता है 4 से? हाँ बड़ा होता तो 1 आया होगा। अगर आप इतना करेंगे तो अब आंसर 1 आएगा भैया। सी 1। अगर आपको ये समझ में आया है तो आप लिखिए गॉट इट। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। ओके हर्षा, प्रशांत, गुड, ग्रेट, ओजा साहब, चलिए अब एक बिल्कुल नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मैंने अभी एक दो जो प्रोग्राम बताए होंगे, हो सकता है चूंकि आप इनिशियल स्टेज में हैं, तो हो सकता है आपको थोड़ी सी कठिनाई हो रही हो, अब ये हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। ये लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है ये मैं आपको एक बार समझाते हुए चलता हूं, राइट? जब कभी हमको दो कंडीशन को एक साथ टेस्ट करना हो, ये भी तीन होते हैं भैया, एक होता लॉजिकल नॉट, एक होता लॉजिकल एंड, और एक होता है लॉजिकल और। आपको तीन पॉइंट समझने पड़ेंगे। ये एक्सक्लेमेटरी का साइन है, दिस वन, ये इसका साइन है। ऐसे ही ये जो दो एम्परसेंट के साइन है ये लॉजिकल एंड है, और ये दो पाइप के साइन है ये लॉजिकल क्या है और है। मैं एक एक करके आपको इसके बारे में मतलब पढ़ाना चाहता हूं। सबसे पहले आप चाहो तो लॉजिकल नॉट ऑपरेटर पढ़ लीजिए। लोग इसे प्यार से यूनरी ऑपरेटर भी कहते हैं। कौन सा ऑपरेटर कहेंगे बेटा इसे? यूनरी। ये एक्सक्लेमेटरी साइन होता है भैया, इसमें कौन सा साइन होता है? एक्सक्लेमेटरी। अब यहां पे क्या लिखा है देखना, इट इज ऑल्सो अ यूनरी ऑपरेटर बिकॉज इट वर्क्स ऑन द सिंगल ऑपरेंड। ये कितने ऑपरेंड पे काम करता है? सिंगल पे। एंड इट रिवर्स द रिजल्ट, और ये रिजल्ट को हमेशा रिजल्ट को उल्टा कर देगा। जैसे ट्रू के साथ नोट लगा दिया तो फॉल्स हो गया, और फॉल्स के साथ अगर नोट को लगा दिया तो ट्रू हो गया। हमेशा मामले को कैसा कर देता है? उल्टा कर देता है। एक लॉजिकल एंड होता है, लॉजिकल एंड को हमेशा थोड़ा जिद्दी टाइप का ऑपरेटर माना गया है। कैसा ऑपरेटर माना गया है? जिद्दी टाइप का। हाउ कैन यू से इट इज अ टाइप ऑफ जिद्दी? जब तक ये ट्रू नहीं देता है जब तक दोनों कंडीशन हमारी ट्रू नहीं होंगी, यहां पे दो एम्परसेंट के साइन लगाते हैं भैया, तो यहां पे क्या लिखा हुआ देखो, इट रिटर्न्स ट्रू ओनली इफ बोथ कंडीशंस आर ट्रू। If any one of them or both become false, it always return what? False. अब जैसे end operator की बात करूं, इसमें ये दो ampersand के साइन होते हैं, दोनों तरफ true true लगा हुआ है, तो यहां पर आंसर क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। इस जगह पर जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है? ट्रू आ रहा है। सो यहाँ ट्रू ट्रू है तो यहां पे ट्रू आ रहा है, ट्रू एंड फॉल्स है तो फॉल्स। प्लीज, एक ही कंडीशन में आंसर ट्रू आ सकता है जब दोनों तरफ कंडीशन हमारी ट्रू होगी। अदरवाइज चाहे एक तरफ हो या दो तरफ हो, अगर कंडीशन हमारी फॉल्स है तो किसी भी सूरत में आंसर हमारा ट्रू नहीं आ सकता है।
अब यहां पे देखिए एक छोटा सा ये इसी से रिलेटेड असाइनमेंट समझ लो या उसे एग्जाम्पल समझ लीजिए आप, यहां पर आपको अपना आंसर बताना है। जैसे चलो मैं यहां पे एक टेस्ट कर रहा हूं आप लोगों का कि क्या आप इसका आंसर सही बता सकते हैं। देखो मेन बनाया है include, yesterday, दो वेरिएबल बना लिए और x की वैल्यू यहां पर क्या है बेटा 5 है। तो क्या 5 छोटा होता 4 से? क्या 5 छोटा होता 4 से? नहीं होता। तो यहां पर तो क्या हो गया 0। क्या यहां पे 5 छोटा होता 10 से? हाँ छोटा होता है। यहां पर क्या हो गया 1, तो 0 and 1 ना। तो यहां पर जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी पता है तुम्हें? 0 होगी। क्योंकि एक तरफ तो कंडीशन हमारी फॉल्स है ना, एक तरफ हमारी जो कंडीशन है वो क्या है? फॉल्स। मैं चाहता हूं कुछ बच्चों ने हर्षा प्रतीक्षा तुम तो एक बात समझ लो भैया, आंसर ट्रू तब आएगा जब दोनों कंडीशन दोनों तरफ हमारा जो आंसर है वो कैसा होगा बेटा? ट्रू होगा। जब दोनों तरफ हमारा जो आंसर है वह कैसा होगा? ट्रू होगा। तो चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट हुआ, लॉजिकल एंड हुआ, ये हमारा लॉजिकल और है। आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन, लॉजिकल ऑन नॉट, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब, और ऑपरेटर। इसके केस में आप हमेशा एक बात समझ लेना भैया, अगर एक भी तरफ की कंडीशन अगर ट्रू है तब भी आंसर आपका ट्रू आएगा। देखो दोनों तरफ की ट्रू है तो कंपाइलर और ज्यादा खुश हो जाएगा, फिर तो कंपाइलर और ज्यादा खुश हो जाएगा। देखो यहां भी ट्रू, यहां भी ट्रू, द आंसर इज ट्रू। इधर ट्रू फॉल्स तब भी आंसर ट्रू, फॉल्स ट्रू। अरे यहां पर फॉल्स आंसर बस तब आएगा, फॉल्स आंसर जब आएगा जब दोनों तरफ जो चीजें होंगी वो क्या होंगी हमारी? फॉल्स होंगी। जब दोनों तरफ चीजें हमारी क्या होंगी बेटा? फॉल्स होंगी। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलिए इसका आंसर अगेन ये सेम असाइनमेंट है, इससे मैं आपको एक बार इस बार चला के दिखाना चाहूंगा। अगेन मैं यहां लिख देता हूं, दिस इज द असाइनमेंट। सी यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी है बेटा? 5 है। क्या 5 छोटा होता 4 से? नहीं होता, तो 0। क्या 5 छोटा होता 10 से? हाँ होता है। तो इस केस में आंसर यहां पे क्या लिया हमने? 1। तो भाई साहब जो बाई की वैल्यू अब है, जो बाई की वैल्यू अगर आपकी है तो यहां पर आंसर 1 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि एक तरफ तो कंडीशन हमारी ट्रू है ना भैया, एक तरफ तो हमारी कंडीशन ट्रू है ना। तो क्यों ना मैं आपको इस कोड को यहां से कॉपी करूं, लेट मी चेक। यहां पर आए, सेव दिस, रन कराइए। देखिए आंसर इज व्हाट? 1। बट अगर इसी की जगह पर हम ये 2 एम्परसेंट के साइन लगा देते, फिर से इसे मैंने रन किया, आंसर इज व्हाट? 0। इस केस में आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है बेटा? 0 आ रहा है। आई होप यू गॉट इट, ये समझ में आया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट चलते हैं। थोड़ा सा ये कुछ नोट दे रखे हैं, नोट इनको आप समझ लीजिए। क्या दे रखा है देखिए, लॉजिकल एंड ऑपरेटर नेवर चेक्स द सेकंड कंडीशन इफ फर्स्ट कंडीशन बिकम्स व्हाट? फॉल्स। जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है, कौन सा ऑपरेटर होता है?
लॉजिकल जो एंड ऑपरेटर होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट द लॉजिकल एंड ऑपरेटर. नेवर चेक द सेकेंड कंडीशन इफ फर्स्ट कंडीशन बिकम्स व्हाट? फॉल्स. सो मैं तो आपसे एक ही बात कहूंगा, लॉजिकल एंड ऑपरेटर जो होता है दूसरी कंडीशन को चेक करेगा ही नहीं, उसका फायदा ही नहीं. अगर मान के चलो पहली कंडीशन ही हमारी फॉल्स है तो दूसरे को चेक करने से फायदा क्या होगा एंड के केस में? अरे अगर दूसरी कंडीशन ट्रू भी होगी तो क्या कर लेगी? ऐसे ही लॉजिकल और के केस में अगर पहली कंडीशन हमारी ट्रू है, लॉजिकल और नेवर, लॉजिकल और ऑपरेटर, नेवर चेक द सेकेंड कंडीशन इफ फर्स्ट कंडीशन बिकम व्हाट? ट्रू. बिकम्स ट्रू. अरे भाई लॉजिकल और में अगर पहली कंडीशन ही ट्रू है दूसरे को चेक करने से कोई फायदा ही नहीं है. आप इसे लॉजिकली सोचना, लॉजिकल एंड में अगर पहली कंडीशन फॉल्स है दूसरे को चेक नहीं करेगा क्योंकि उसे चेक करने से कोई फायदा ही नहीं होगा. लॉजिकल और में अगर पहली कंडीशन हमारी ट्रू है, अगर हमारी पहली कंडीशन अगर ट्रू है तो फिर दूसरे को चेक नहीं करेगा वो, तो फिर वो दूसरे को चेक नहीं करेगा. ऐसे ही मैंने यहां पर आपको पॉइंट्स बताया. That is why logical operators are also known as the short circuit operator. यहां पर इसे हम कौन सा ऑपरेटर कहेंगे बेटा? शॉर्ट सर्किट ऑपरेटर कहेंगे. क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? सो ये कुछ कहानी मैंने आपको इसमें बताई है. यहां पर चलिए मैं इस शॉर्ट सर्किट को आपको समझाना चाहता हूं कि एस सच इसका बेसिकली मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज ऑल अबाउट, ये एस सच है क्या. सी यहां पे लॉजिकल और की बात कर रहा है, एक एग्जांपल दे रखा है. समझो क्या पांच और छह, क्या, प्लीज मैं डिक्टेट करूंगा, क्या पांच और छह बराबर होते हैं? नहीं होते. यहां पर क्या आंसर आएगा? जीरो. क्या पांच और छह बराबर है? नहीं है. क्या पांच और पांच बराबर, यहां पे दूसरे को जरूर चेक करेगा वो, यहां पर क्या आएगा? वन. तो इस केस में आंसर जो आ रहा होगा आंसर वो क्या आएगा बेटा? वन. अब मैं आपसे लॉजिकल एंड की बात करूंगा. एग्जाम्पल के तौर पर देखिए आप इसे फिर से, क्या पांच और छह बराबर है? नहीं है, जीरो. मेरा विश्वास करिए दूसरे वाले को चेक ही नहीं करेगा. सो यहां पर जो आंसर आएगा, आंसर इज व्हाट? जीरो. चाहो तो आप एक बार इसे करके देख सकते हैं. इस केस में आंसर वन आ रहा होगा. देखिए सारी चीजें आप मिटा दीजिए, पेस्ट दिस, और यहां पे ये डबल कोट्स मैंने ये लगा दिया. मैंने इसे रन किया बेटा. सी पहले वाले केस में वन आ रहा था, बट अगर मैंने दो पाइप के साइन हटा के दो एम्परसेंट के साइन अगर लगा दिए और फिर से इसे रन कराया तो अब आंसर क्या आएगा हमारा? जीरो. अब हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? जीरो. उम्मीद करूंगा ये पॉइंट आपको इसमें समझ में आया होगा. ये थोड़ा सा टेक्निकल तो है. मेनली शॉर्ट सर्किट का मतलब ये होता है कि अगर हमें पहले से ही आभास हो गया है, पहले से ही अगर आभास हो गया है तो हम दूसरी चीज को फिर चेक नहीं करते. नेक्स्ट सी, ये कोई अगेन एक एग्जांपल है. मैं तो आपसे ही इसका आंसर पूछूंगा. अगेन वन मोर एग्जाम्पल. क्या दे रखा है? दो वेरिएबल बना रखे भैया, एक्स और वाई. एक्स में क्या वैल्यू दे दी? पांच. यहां पे आइए, क्या पांच छोटा होता है? अब आप समझो इसे, क्या पांच छोटा होता चार से? नहीं होता. यहां पर तो आएगा जीरो.
बट अभी दूसरी तरफ जरूर जाएगा, ये पाइप का साइन है ना, तो क्या पांच छोटा होता है दस यहाँ होता है वन, तो बाई की वैल्यू यहां पर जो आंसर आने वाला है विच इज वॉट वन। चाहो तो आप एक बार करके देख लीजिए प्लीज। इसे मेन में रख लेते हैं। What was the answer? One. See this. Run कराया इसे. Answer क्या आ रहा है हमारा? One. तो आपको by the time मेरी समझ में ये चीजें समझ में आ जाएंगे, right? ये complete demo में यहाँ पे उठा के रख देता हूँ. That's it. थोड़ा आगे चलते हैं। अब बात करेंगे, अभी तक मैंने तीन ऑपरेटर पढ़ाए आपको, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल और एक कौन सा है हमारा, लॉजिकल नॉट, लॉजिकल एंड और लॉजिकल और। अब ये बात जो करने जा रहा हूं विच इज रिलेटेड विद द बिटवाइज ऑपरेटर, अगेन अ बिट टेक्निकल, राइट। तो चलिए इसे मैं आपको अगली क्लास में बता दूंगा, अभी कोई जल्दबाजी तो हमें है नहीं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।